मम्मा मम्मा मुझे बचाओ, मुझे बचा लो, ये चील मुझे पकड़ कर ले जा रही है। बाजू चील राजू कौवे को पकड़ कर पहाड़ों की तरफ ले जाती है। कालू जी राजू बाहर खेल रहा था, अचानक बाजू चील आ गई और राजू को पकड़कर अपने साथ ले गई। जल्दी जाएं, जल्दी से आप जाकर राजू को लेकर आएं, वरना वे जालिम चील मेरे राजू को मार डालेगी। हाय रे, ये कैसी कठिन समस्या आ गई। रानी, मैं इतनी ताकतवर चील से राजू को कैसे बचा कर लाऊंगा? अगर उस चील ने मुझे भी मार दिया तो मैं बचाऊंगी, अपने बच्चे को मैं बचा कर लाऊंगी। कालू जी, मैं भी आपके साथ जाऊंगी और राजू को मैं बचा कर ले आऊंगी। नहीं नहीं यार, तुम ना जाना, मैं जाता हूँ, राजू को किसी भी तरह उस चील से बचा कर लाता हूँ। ये बोलकर कालू कौवा बड़ा परेशान परेशान अपने घर से बाहर चला जाता है। मेरा राजू, मेरे बुढ़ापे का सहारा, अगर बाजू चील ने उसे मार दिया तो मेरा क्या होगा? बुढ़ापे में मेरा साथ कौन देगा? फिर कुछ करना होगा, मुझे किसी भी तरह राजू को बाजू चील से बचा कर वापस लाना होगा। दोस्तों, अगर आप सबने इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि ये कहानी आगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये बोलकर कालू कौवा फौरन पहाड़ों की तरफ बाजू चील के पास चला जाता है। ओए कौवे, लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है जो तू भी यहाँ पर आ गया। अब तेरे बेटे के साथ मैं तुझे भी मार कर खा जाऊंगी। बाजू चील, ऐसा ना करो, हम कौवों को खाकर तुम्हें क्या मिलेगा? वैसे भी हम कौवों का मांस इतना मजेदार नहीं होता। तुम अगर मुझे और मेरे बेटे को छोड़ दो तो मैं तुम्हें इसके बदले में दो चिड़िया के बच्चे ला कर दूंगा, बस तुम हमें छोड़ दो। चिड़िया के बच्चों का मांस बाजू चील को बहुत ही पसंद था, इसीलिए वे कालू कौवे की बात झट से मान जाती है। ठीक है कौवे, तुम जाओ, जाकर मेरे लिए दो चिड़िया के बच्चे लेकर आओ, तभी मैं तुम्हारे बेटे को जाने दूंगी। पर याद रहे, तुम्हारे पास सिर्फ आज का ही दिन है। अगर आज के आज तुम दो चिड़िया के बच्चे ना लेकर आए तो कल सुबह होते ही मैं तुम्हारे बेटे को मारकर खा जाऊंगी। मैं ले आऊंगा, मैं आज के आज कुछ भी करके दो चिड़िया के बच्चों को ले आऊंगा, बस मेरे बेटे को कुछ ना करना। ये बोलकर कालू कौवा फौरन वापस अपने जंगल चला जाता है। कालू जी, अब क्या होगा? हम चिड़िया के बच्चे कहाँ से ले जाकर देंगे उस चील को? देने तो पड़ेंगे, वो भी आज के आज, वरना वे जालिम चील हमारे बेटे को मार कर खा जाएगी। जंगल में सिर्फ एक मीनू चिड़िया रहती थी, जिसके दो छोटे छोटे बच्चे थे। हमारे पास बस आखिरी रास्ता है, हमें किसी भी तरह मीनू चिड़िया के बच्चों को ले जाकर बाजू चील को देना होगा। दोनों कौवे फिर मिलकर मीनू चिड़िया के बच्चों को किडनैप करने का प्लान बनाने लगते हैं। अरे, ये कॉल किसकी आ रही है? मीनू चिड़िया कॉल उठाती है और बात करने लगती है। हेलो बेटा, कैसी हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, पर आप कौन हैं? अच्छा, अब तो मुझे भूल गई, मीनू तेरी माँ बात कर रही हूँ, तू मेरी आवाज़ भी नहीं पहचानती अब। अच्छा माँ, पर माँ आपकी आवाज़ को क्या हुआ? आपकी आवाज़ इतनी बदली बदली क्यों लग रही है? अरे मेरी आवाज़ को छोड़, मुझे ये बता, मेरा मानो चिड़ा और मेरी सोनो चिड़िया कैसी है? मुझे बच्चों की बहुत याद आ रही है, तो बच्चों को मुझसे मिलवाने भी नहीं लाती। माँ मैं क्या करूँ, घर में काम ही इतने होते हैं, पर आप चिंता ना करो, मैं आऊँगी जल्दी आपके पास। अरे तू जब आएगी तब आएगी, पर आज दोनों बच्चों को मेरे घर पर भेज दे, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। पर माँ मैं अभी दोनों बच्चों को लेकर कैसे आऊँ, अभी बहुत सारे काम हैं घर पर, मैं आऊँगी ना बाद में। अरे तो तू मत आ, दोनों बच्चों को अकेले भेज दे मेरे घर पर, कौन सा मेरा घर ज़्यादा दूर है। हाँ मम्मा, मुझे नानों के पास जाना है, मैं सोनू चिड़िया को लेकर नानों के पास चला जाऊंगा, आप घर के काम आराम से करो। देखा देखा मेरा बेटा कितना होशियार हो गया है, चल चल जल्दी से दोनों को भेज दे मेरे घर पर। रानी कौवी इस तरह झूठ मूठ की मीनू चिड़िया की माँ बनकर मीनू चिड़िया को उल्लू बना रही थी। उधर मीनू चिड़िया अपने दोनों बच्चों को तैयार करके उनकी नानों की तरफ भेज देती है। अरे अरे बच्चों, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में, रुको तो जरा। कवि आंटी, हमें जाने दें, हम अपनी नानों के घर जा रहे हैं। तभी पीछे से कालू कौवा एक काला कपड़ा लेकर आता है और उन दोनों बच्चों के ऊपर डाल देता है। पकड़ लिए, चलो रानी, जल्दी से मैं ये दोनों बच्चे ले जाकर बाजू चील को दे आता हूँ,
और अपने राजू कौवे को आजाद करा के ले आता हूँ। कालू कौवा मीनू चिड़िया के दोनों बच्चों को एक कपड़े में बांधकर बाजू चील की तरफ ले जाता है। पर यह सब कुछ एक तोता बैठा देख रहा था, जो ये सब देखकर फौरन मीनू चिड़िया की तरफ भागा भागा जाता है। उधर कालू कौवा बाजू चील के पास मीनू चिड़िया के दोनों बच्चों को लेकर पहुंच गया था। बाजू चील, तुम्हारे कहने पर मैं दोनों बच्चों को ले आया, अब मेरे राजू को जाने दो। वाह कौवे, तू तो बहुत ही चलाक निकला, मुझे लगा तू आएगा नहीं, पर तू तो सच में आ गया। बाजू चील जल्दी करो, मेरे राजू को छोड़ो। बस तभी भागी भागी मीनू चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। रुक जाओ कालू कौवे, तुम इतने स्वार्थी निकलोगे मैंने कभी नहीं सोचा था। तुमने अपने बच्चे को बचाने के लिए मेरे बच्चों की जान खतरे में डाल दी। मीनू चिड़िया, तुम यहाँ पर कैसे आ गई? मुझे तोते ने सब बताया। बाजू चील, मेरे बच्चों को छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूँ, चिड़िया के बच्चे तो मुझे बहुत पसंद हैं। इन बच्चों को तो मैं खा कर ही रहूँगी। खबरदार, जो मेरे बच्चों को हाथ भी लगाया। ये आग देख रही हो ना, ये मैं इस पेड़ पर लगा दूंगी, फिर कोई नहीं बचेगा। मीनू चिड़िया, ऐसा ना करना, मुझे आग से बहुत डर लगता है। ये चिड़िया कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ बोल ही सकती है। मैं तो इसके बच्चों को खा कर ही रहूंगी। मीनू चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है और वे लकड़ी में लगी हुई आग उस पेड़ पर लगा देती है, जिससे वे आग आहिस्ता आहिस्ता काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अरे ये आग तो काफी ज्यादा बढ़ गई, मेरा घोंसला जल गया, मुझे यहाँ से भागना होगा वरना मैं भी जल जाऊंगी इस आग में। डर के मारे बाजू चील अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से फौरन भाग जाती है। और इधर कालू कौवा भी डर के मारे अपने राजू कौवे को लिए बिना ही वहाँ से भाग जाता है। बचाओ मम्मा, मम्मा हमें बचाओ, मुझे बच्चों को बचाना होगा किसी भी तरह। मीनू चिड़िया फिर अपनी जान की परवाह किए बिना उस पेड़ पर आ जाती है और एक एक बच्चे को उठाकर सामने वाले पेड़ पर लाकर बिठा रही थी। और आखिरकार वे सफल हो जाती है और सारे बच्चों को उस आग से बचा लेती है। चिड़िया आंटी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरे बाबा ने आपके साथ कितना गलत किया, फिर भी आपने मेरी मदद की, मुझे आग से बचाया। चलो राजू कौवे, ये जगह खतरे से खाली नहीं, यहाँ पर चीले कभी भी आ सकती हैं। चलो यहाँ से फौरन। मीनू चिड़िया तीनों बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाकर वापस अपने जंगल ले जाती है। कालू जी, ये क्या कर दिया आपने, मेरे राजू कौवे को उस आग में छोड़कर आ गए। मेरा राजू, मेरा राजू। रानी कौवी बहुत रो रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे मेरा राजू, राजू तुम जिंदा हो। रानी कौवी फौरन राजू कौवे को अपने गले लगा लेती है। मीनू चिड़िया, मैंने तो तुम्हारे बच्चों के साथ इतना गलत किया, तो फिर तुमने मेरे बच्चे की जान क्यों बचाई? कालू कौवे, तुम स्वार्थी हो सकते हो पर मैं नहीं। तुम्हारी गलती की सजा मैं तुम्हारे मासूम बच्चे को क्यों दूं? इसीलिए मैं इसे बचा कर ले आई। कालू कौवा अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा था, वे हाथ जोड़कर मीनू चिड़िया से माफी मांग लेता है। प्यारे दोस्तों, अगर आप सबको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। रानी, तुमने कोई भोजन बनाया है क्या? कैसे बनाऊं भोजन, घर में जरा सा भी दाना नहीं, तो मैं भोजन कैसे बनाऊंगी? क्या? अरे पर रानी, कल ही तो मैं कितना सारा भोजन लेकर आया था। हाँ लाए थे, पर अब खाते भी तो कितना सारा भोजन हो, तो ख़त्म हो जाता है एक दिन में। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा जाकर किसी पक्षी के घर में घुसकर भोजन चुरा कर ले आता हूँ। फिर कालू कौवा भोजन की चोरी के लिए चला जाता है। हाय रे, कितनी ज्यादा गर्मी है आज और भूख भी कितनी ज्यादा लग रही है, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? तभी कालू कौवे को सामने वाले घर से कुछ भोजन की सुगंध आने लगती है। हा 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 हा, क्या सुगंध आ रही है, ये सुगंध तो सामने मीनू चिड़िया के घर से आ रही है। कालू कौवा फिर खिड़की के रास्ते मीनू चिड़िया के घर में घुस आता है। वहीं रुक जाओ कालू कौवे, खबरदार जो मेरे मानों की खीर पर नजर डाली। हाँ तो मीनू चिड़िया, इतनी स्वादिष्ट खीर बनाई क्यों, जिसकी सुगंध मेरे घर तक आ रही है, अब तो मैं ये खीर लेकर ही रहूंगा। कालू कौवा फौरन खीर का बर्तन उठा लेता है। मैं तुम्हें नहीं ले जाने दूंगी ये खीर,
मेरा मानो आने ही वाला होगा, मैंने उसके लिए बनाई है। हाँ तो उसके लिए दूसरी बना लेना, पर अब ये खीर मेरी हो गई है। कालू कौवा खीर का बर्तन उठाकर फौरन वहाँ से भागता है। ये कालू कौवा भी बहुत दुष्ट है, मैं अगर मिट्ठू महाराज से जाकर कालू कौवे की शिकायत करूँगी तो वो तो यही कहेंगे कि मैं भोजन के लिए लड़ रही हूँ। काश कि कालू कौवे को कोई ऐसी सजा मिले कि वे हमेशा के लिए चोरी करना ही भूल जाए। दोस्तों अगर आप सब ने इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि ये कहानी आगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वहीं घर पर कालू कौवा और रानी कौवी मिलकर मजे से मीनू चिड़िया की खीर खा रहे थे। रानी, कोई भी पक्षी मेरे खिलाफ मिट्ठू महाराज से शिकायत नहीं करता, क्योंकि सब यही सोचते हैं कि भोजन के लिए क्या लड़ें। कालू कौवा तो अब बहुत तेज हो गया था, उसे तो चोरी करते समय बिल्कुल भी डर नहीं लगता था, और अब तो उसने मेहनत के पैसों से भोजन खाना ही छोड़ दिया था। दूसरे दिन सुबह कालू कौवा एक नन्हे कबूतर से उसकी आइसक्रीम छीन लेता है। ये क्या बदतमीजी है कालू अंकल, एक छोटे बच्चे से उसकी आइसक्रीम छीनते हो, वापस करो मेरी आइसक्रीम। कालू कौवा तो बड़े मजे से कबूतर के बच्चे की आइसक्रीम खा रहा था, उसे तो जैसे कोई परवाह ही नहीं थी। इसी तरह कालू कौवा रोजाना ही किसी न किसी पक्षी का भोजन चुरा लेता था। एक दिन कालू कौवा जंगल से दूर इंसानों की बस्ती में चला जाता है, तो उसे वहाँ पर एक बड़ा सा घर दिखाई देता है। कालू कौवा खिड़की से उस घर के अंदर झांकता है। अरे इतनी सारी चावलों की बोरियाँ, हाय रे कालू, अगर तूने ये सारी चावलों की बोरियाँ चुरा ली तो तेरे तो मजे ही आ जाएंगे, और ये पक्षियों के घरों में जाकर छोटी छोटी चोरियाँ भी नहीं करनी पड़ेंगी। कालू कौवा बड़ा खुशी खुशी वापस अपने जंगल जाता है और जंगल में आकर सारे पक्षियों को जमा कर लेता है। क्या बात है कालू कौवे, चोरियाँ करके तो तुम वैसे ही हमें परेशान करते हो, अब क्या कर डाला तुमने? हाँ हाँ बताओ कालू कौवे क्या बात है। पक्षियों तुम सब खुश हो जाओ, क्योंकि अब मैं किसी भी पक्षी के घर में आकर उसका भोजन नहीं चुराऊंगा। हैं कालू जी, ऐसा भी क्या हाथ मार लिया आपने जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? अरे क्या बताऊं तुम्हें, मैंने इंसानों की बस्ती में एक किसान का घर देखा है, उस घर के अंदर बहुत सारी चावलों की बोरियां हैं। मैं कल ही जाकर किसान के घर से वे सारी बोरियां चुराने वाला हूँ, मेरे मजे आ जाएंगे, मैं पूरे साल बैठकर बस चावल खाऊंगा। पर कालू कौवे, इंसान तो बहुत गुस्से वाले हैं, बहुत खतरनाक होते हैं वो, इसीलिए मेरी बात मानो और इंसानों के साथ ऐसा मत करो। मैं नहीं डरता यार किसी इंसान विंसान से, अगर तुम में से किसी पक्षी को चावल चाहिए हो तो आ जाना मेरे घर पर लेने। ये बोलकर कालू कौवा और रानी कौवी वहाँ से चले जाते हैं। बाप रे, ये कालू कौवा तो पागल हो गया है, खुद अपनी मौत को दावत दे रहा है। पक्षियों, कालू कौवा जैसा भी है पर हमारा दोस्त है, कल हम पक्षी कालू कौवे के पीछे पीछे जाएंगे, अगर कालू कौवे को कुछ भी हुआ तो उसकी फौरन मदद करेंगे। हाँ हाँ मीनू चिड़िया, हम जरूर जाएंगे। दूसरे दिन सुबह कालू कौवा बिना किसी डर खौफ के इंसानों की बस्ती में चला जाता है, और वे छुपके से उसी किसान के घर में घुस आता है। दोपहर हो रही थी, किसान अपने खेत से वापस आकर घर में आराम कर रहा था। वहीं घर से बाहर पक्षी भी छुपे किसान के घर पर नजर रखे हुए थे, और उधर घर में कालू कौवा एक एक करके बोरी बांधकर अलग कर रहा था कि तभी कालू कौवे का पर एक बर्तन पे लगता है और वे सीधा नीचे गिर जाता है। इतनी तेज आवाज के कारण सोए हुए किसान की आंख खुल जाती है। चोर चोर कौवे मेरे घर में चोरी करता है, तेरी इतनी हिम्मत, तुझे तो अभी बताता हूँ। किसान फौरन अपनी बंदूक निकाल लेता है। हाय रे कालू, ये किसान तो तुझे अपनी बंदूक की गोली से मार डालेगा, भाग भाग यहाँ से। कालू कौवा सब कुछ छोड़ छाड़ के किसान के घर से भागता है, पर पीछे से किसान गोली चलाता है और गोली सीधा आकर कालू कौवे को लगती है। वे कौवा घायल होकर नीचे गिर जाता है। हाय रे पक्षियों, कालू कौवे को गोली लग गई, चलो सब जल्दी से। सब पक्षी फौरन कालू कौवे के पास भागते हैं। थोड़ी देर के बाद सब पक्षी कालू कौवे को पट्टी करा के
उसे उसके घर लेकर आते हैं। मीनू चिड़िया, मार डाला किसान ने मुझे, चोरी की इतनी बड़ी सजा मिल गई, मेरा एक परी खराब हो गया। हाँ तो इसीलिए कहती थी ना कालू कवे, कम खाओ पर मेहनत का खाओ। वो तो शुक्र है किसान की गोली तुम्हारे सर पर नहीं लगी, वरना तुम बच भी नहीं पाते। कालू कवे ने अब पक्का इरादा कर लिया था कि आज के बाद वे कभी भी चोरी नहीं करेगा। प्यारे दोस्तों, अगर आप सबको भी ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कालू कवे, रानी कवि, हमारे जंगल में नए पक्षी हो तुम। तुम और तुम्हारे बेटे को अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। हाँ हाँ कालू कवे, हम पक्षी एक दूसरे की मदद करके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। आप सब पक्षी बहुत अच्छे हो, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कालू कवे, दोपहर का भोजन मैं भिजवा दूंगी, तुम और रानी कवि परेशान न होना। बहुत शुक्रिया बुलबुल तुम्हारा। बस फिर पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। हाय रे कालू जी, इस जंगल के पक्षी तो बहुत ही अच्छे हैं, किस तरह से मदद कर रहे हैं। अरे अच्छे नहीं बल्कि बेवकूफ़ पक्षी हैं, अब तुम देखना मैं इन्हें बेवकूफ़ बनाकर इनसे फ़ायदा उठाऊंगा। अच्छा, पर वो कैसे? तुम बस देखती जाओ रानी, अब तुम्हारा पति क्या क्या करता है इन पक्षियों के साथ। अगले दिन सुबह सुबह कालू कौवा रोते धोते पक्षियों को चीख चीख कर जमा कर लेता है। हाय रे कालू कौवे, क्या हो गया, तुम क्यों रो रहे हो इतना? हाँ कालू जी, मुझे तो बताओ कि आखिर क्या हुआ है। रानी, तुम तो जानती हो ना कि आज मैं महीने भर का सामान लाने वाला था, मैं सारी फल सब्जियाँ लेकर आ रहा था कि तभी। ओए कौवे, ये जो भी कुछ है तेरे पास ये सारा मुझे दे दे। चलो निकलो यहाँ से शैतान उल्लू, ये सारा सामान मेरा है, मैं नहीं दूंगा इसे। क्या हुआ, तुम ऐसे हंस क्यों रहे हो? क्योंकि मैं अभी ये तेरा सारा सामान तुझसे छीन कर ले जाऊंगा और तू बस देखता रह जाएगा। कहा ना एक बार, ये भोजन का सामान मेरा है, मैं नहीं दूंगा, नहीं दूंगा मैं। बस वे उल्लू जबरदस्ती कालू कवे से उसका सामान छीन कर वहाँ से भाग जाता है। हाय रे, मैं लूट गया, बर्बाद हो गया, मेरा महीने भर का सामान मुझसे छीन कर भाग गया। कालू कौवा इस तरह अपनी झूठी कहानियाँ सुनाकर पक्षियों को बेवकूफ बना रहा था। अरे बाप रे कालू कवे, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। कालू जी, अब क्या करेंगे हम, कैसे खाएंगे भोजन, हमारा तो कितना बड़ा नुकसान हो गया। अरे कवि बहन, चिंता क्यों करती हो, हम पक्षी हैं ना, हम पक्षी आपकी पूरी मदद करेंगे और आपको महीने भर का पूरा भोजन दिलाएंगे, बस आप परेशान मत हो। हाँ हाँ, कबूतर ठीक कह रहा है, हम सब पक्षी पैसे जमा करके कालू कवे तुम्हें भोजन जरूर दिलाएंगे। थोड़ी देर में सब पक्षी पैसे मिलाकर कालू कवे के लिए महीने भर का भोजन खरीद कर ले आते हैं। दोस्तों, अगर आप सबने इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि ये कहानी आगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। कालू कवे, ये महीने भर का भोजन हमारी तरफ से, अब बस तुम परेशान मत होना। और फिर कालू कवे को वे भोजन देकर वापस अपने अपने घरों को चले जाते हैं। देखा रानी, तुम्हारे पति का कमाल, एक छोटी सी कहानी सुनाकर कितना बड़ा फायदा हो गया हमारा। हाँ कालू जी, ये पक्षी तो वाकई में बहुत ही बेवकूफ़ हैं, कितना सारा भोजन दे गए हमें, अब पूरा महीना आराम से बैठकर हम ये भोजन खाएंगे। ये तो कुछ भी नहीं, अभी बस तुम देखती जाओ मैं इन पक्षियों को बेवकूफ़ बना बना कर कितने सारे पैसे लूटूंगा। मीनू चिड़िया, कल कालू कौवा बता रहा था कि रानी कवि की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, ये बेचारी बीमारी में भी घर की साफ सफाई और भोजन कैसे बनाएगी। चिंता ना करो बुलबुल बहन, मैं आज दोपहर का भोजन रानी कवि को दे आऊंगी। हाँ, और घर की साफ सफाई मैं जाकर कर दूंगी। थोड़ी देर में बुलबुल कालू कवि के घर में आकर साफ सफाई कर रही थी और रानी कवि तो बड़े मजे से आराम कर रही थी। अरे वाह, आज तो कोई काम नहीं करना पड़ रहा, आज तो बस सारा दिन आराम करूंगी बस। बस कुछ दिन गुजरते हैं, कालू कौवा दोबारा से रोता रोता पक्षियों के सामने ड्रामा करता है। अरे अब क्या हुआ कालू कौवे, तुम क्यों रो रहे हो? पक्षियों, आज मुझे मेरी पगार मिली थी,
मैं बहुत खुशी खुशी अपनी पगार लेकर घर आ रहा था कि तभी मुझे वही उल्लू मिला जिसने मुझसे मेरा भोजन छीन लिया था। अरे वाह कौवे, तू तो मुझे फिर से मिल गया। चल जल्दी कर, अपनी ये पगार मुझे दे दे। नहीं दूंगा, इस बार मैं कुछ नहीं दूंगा, ये मेरी मेहनत के पैसे हैं। तभी उल्लू कालू कौवे को जोर से लगाता है और कालू कौवे के पैसे लेकर वहां से भाग जाता है। अब तुम सब खुद बताओ पक्षियों, मैं अपने घर का गुजारा कैसे करूंगा। उस शैतान उल्लू ने मुझसे मेरी पूरी पगार छीन ली, मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा अब। बहुत बुरा हुआ कालू कौवे, बस अब तुम्हें उस रास्ते से नहीं जाना चाहिए। वे शैतान उल्लू तो हमेशा ही पक्षियों को परेशान करते रहते हैं। कालू जी आप चिंता न करो, मैं और आप एक दिन भूखे रह लेंगे और दूसरे दिन अपने भाई के घर जाकर भोजन खा लेंगे। रोने से अब क्या होगा, हम बस इसी तरह अपना पूरा महीना गुजार लेंगे। अरे नहीं नहीं रानी कौवी, ऐसे कैसे, हम पक्षी हमेशा मदद करेंगे तुम्हारी। हाँ कालू कौवे, हम पक्षी इतने तो अमीर हैं कि तुम्हें तुम्हारी पगार जितने पैसे दे दें, परंतु जितना हमसे हो सकेगा हम तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। हाँ हाँ जरूर कालू कौवे, हम तुम्हारे साथ हैं, हम कभी भी अपने जंगल के पक्षी को परेशान होता हुआ नहीं देख सकते। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप सब मेरी इतनी मदद करते हैं। आज रात कालू कौवा दुकान से पिज्जा और बर्गर खरीद कर अपने घर ले जा रहा था। ये क्या, कालू कौवे के पास तो पैसे नहीं थे ना, तो ये पिज्जा और बर्गर क्यों खरीद कर ले जा रहा है। चलो मीनू चिड़िया, कालू कौवे के घर के पास चलते हैं, तभी कुछ पता लगेगा। मीनू चिड़िया और तोता भी कालू कौवे के पीछे पीछे उसके घर की तरफ जाने लगते हैं। और वे दोनों घर के पास आकर खिड़की से घर के अंदर झांकने लगते हैं। कालू जी, पक्षियों को बेवकूफ बनाकर हम उन्हीं के पैसों से ये पिज्जा और बर्गर खा रहे हैं। कितना मजा आता है ना पक्षियों से झूठ बोलकर उनसे पैसे लेने में। हाँ रानी, बहुत मजा आता है पक्षियों को उल्लू बनाने में, इस जंगल में आकर तो हमारे मजे ही लग गए। हाय रे तोते, ये कालू कौवा तो फ्रॉड निकला, ये तो हमें बेवकूफ बनाकर लूट रहा था। थोड़ी ही देर में कालू कौवे की बात जंगल के सब पक्षियों को पता चल जाती है। कालू कौवा तो फ्रॉड निकला, हमने उसकी कितनी मदद की, बस बहुत हो गया, आज के बाद कोई भी पक्षी उस कौवे की मदद नहीं करेगा। थोड़े दिनों बाद जंगल का मौसम बिगड़ जाता है और जंगल में काफी तेज बारिश होने लगी थी। कालू कौवे का घर कच्चा था, इसीलिए ये बारिश की वजह से बुरी तरह से टूट जाता है। हाय रे कालू जी, इस रात हम इस ठंडी बारिश में कहाँ जाएंगे, हमारे पास तो और कोई घर नहीं। चलो रानी, पक्षियों से जाकर मदद मांगते हैं, वो हमारी जरूर मदद करेंगे। ये सोचकर कालू कौवा और रानी कौवी मीनू चिड़िया के घर पर उससे मदद मांगने आते हैं। मदद करो, हमारी मदद करो मीनू चिड़िया, बारिश की वजह से मेरा घर पूरी तरह से टूट गया, हमें अपने घर में जगह दे दो। चले जाओ यहाँ से कालू कौवे, तुम झूठे हो, मैं तुम्हें घर में जगह नहीं दूंगी, क्या पता तुम मेरे घर पर भी कब्जा कर लो। कालू कौवा और रानी कौवी तोते बुलबुल और बाकी के और पक्षियों के पास भी जाते हैं, परंतु कोई भी कालू कौवे की मदद नहीं करता। रानी, आज मेरे झूठ ने मेरा कितना बड़ा नुकसान कर दिया, इतना ख्याल रखने वाले पक्षियों ने आज अपने घरों के दरवाजे मेरे लिए बंद कर दिए। काश के मैंने पक्षियों की अच्छाई का फायदा न उठाया होता, तो आज मेरे साथ ऐसा न होता। कालू कौवे की अपनी गलती की वजह से आज कालू कौवे का पूरा परिवार बारिश के ठंडे पानी में भीग रहा था।